प्रदेश में अतिवृष्टि से किसान सहित व्यापारी और आमजन भी आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है। वहीं अन्नदाता की बहाली पर प्रदेश में राजनीतिक हलचल गर्मा रही है। कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार को दोषी बता रही, वहीं भाजपा प्रदेश सरकार को। दोनों पार्टियां अपने को किसान हितेशी बताने में लगी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के दर्द और केंद्र सरकार के खिलाफ स्थानीय कलेक्टोरेट पर ज्ञापन सौंपा। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार से मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद के लिए राशि मांगी थी, लेकिन नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी आज बिजली के बिलों की होली जलाने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 28 सांसद पहले तो हमारे अन्नदाताओं के सुर ले, दूसरा जो ये बिजली के बिल ढोंग धतूरा जो कर रहे हैं वो मिथ्या है, जिसमें खरगोन जिले में 1,99,00,000 की सब्सिडी डली है, वो ऑन रिकॉर्ड है अपने बड़वानी खरगोन जिले की, और कोई भी देख सकता है ये किसानों के बिजली के बिल की छूट दी। 9,00,00,000 बड़वानी जिले में। हाँ, 9,00,00,000। वहीं भाजपा किसानों से कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए किसान कर्ज माफी सहित वचन पत्र में दिए गए वचनों को पूरा न करने, बिजली बिल हाफ की घोषणा के बाद भी ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन कर भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्टोरेट गेट पर बिलों की होली जलाई गई। वहीं भाजपा के विधायक प्रेम सिंह पटेल सहित पूर्व सांसद पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। रैली का प्रतिनिधित्व भाजपा नेता जीतू जिराती द्वारा किया गया। के बिल जलाए, विरोध प्रदर्शन किया गया कलेक्टर पर, किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी ने सांकेतिक रूप से किसान आक्रोश आंदोलन ऐसे करके प्रत्येक जिले में आयोजन कार्यक्रम किया है किसानों को लेकर के। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, न किसी तरह का कोई हलचल उनके अंदर हो रही है। प्रकृति ने इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी, मध्य प्रदेश का एक एक किसान बेघर हो गया, हजारों किसानों के गरीबों के घर पानी में बह गए, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक किसान की पूरी फसल चौपट हो गई। इतनी बड़ी प्राकृतिक त्रासदी आपदा आज तक मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं आई, उसके बाद भी कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार गरीब के लिए या उस किसान वर्ग के लिए खड़ी है, या किसी की पीठ पर जाकर के हाथ रखा, किसी को मुआवजा देने का काम किया, या किसी गरीब के घर में जाकर के इन्होंने उसकी चिंता की हो। 10 महीने सरकार को हो गई, एक बड़ा और झूठा और मक्कार वादा इन्होंने अपने वचन पत्र में किया था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 2,00,000 रुपए किसानों का माफ करेंगे। आज 10 महीने हो गए, इन्होंने 10 दिन का कहा था, लेकिन एक भी किसान ऐसा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है जिसका इन्होंने 2,00,000 रुपए माफ किया हो। इन्होंने कहा था कि हम अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे। इन्होंने बिजली का बिल हाफ करना तो बहुत दूर की बात है, किसान के पास 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, और किसान के घर में जाकर के उस गरीब किसान के यहाँ कुर्की करने का काम इनके प्रशासन के लोगों ने शुरुआत कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।